दुनिया ऐसे ऐसे विचित्र जीवों से भरी हुई है जिनके बारे में जानकर हम अक्सर चौंक जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले भेड़िया नाम की फिल्म रिलीज हुई है जिसमें फिल्म के हीरो को एक भेड़िया काट लेता है और वो मानव भेड़िया बन जाता है। उसे देखते वक्त मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में मानव भेड़िया होते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे दिमाग में ये सवाल आ सकता है तो आप में से कई लोगों के मन में भी ये सवाल आ सकता है। इसलिए मैंने फिल्म देखकर आने के बाद इस बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया और जो भी रिजल्ट मिला है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोट्यूमिक्स पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी साल जून 2022 में होने वाली एक घटना के मुताबिक अमेरिका के टेक्सास शहर में अमरीलो नाम के एक जू में तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने रात में पेट्रोलिंग के दौरान जाली के दूसरी ओर घूमते हुए एक अजीब जानवर की तस्वीर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की। गार्ड के मुताबिक उस जानवर का चेहरा किसी भेड़िए की तरह था लेकिन वो पिछले दोनों पैरों के बल पर आम इंसान की तरह चल रहा था। उस मानव भेड़िया को देखते ही गार्ड डर गया और चुपके से फोटो खींचकर वहां से निकल आया। उसने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करके पूछा कि नुकीले कान, लंबी थूथन और भेड़िए जैसी आकृति वाला ये जानवर कौन हो सकता है। उसके बाद लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। एक यूजर ने बताया कि ये रेकून नाम का जानवर हो सकता है। इस तरह का जानवर अपनी पिछली दोनों टांगों के बल पर आसानी से चल सकता है। उस यूजर ने यह भी कहा कि उसके बेटे के मोबाइल फोन में ऐसे कई रेकून के फोटो पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना था कि उनके पास ऐसे किसी जानवर का रिकॉर्ड नहीं है। वहीं बहुत सारे लोग हैं जिनका दावा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा बार ऐसे मानव भेड़िया को देखा है। और ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं, किस्से, कहानियां और फिल्में हैं जिनका जिक्र आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की। थैंक यू। अब आइए जानते हैं कि असल में मानव भेड़िया होता क्या है। तथ्यों की माने तो ये एक आम इंसान जैसा ही होता है लेकिन उसका दिमाग एक आम इंसान से बहुत अलग होता है। उसका शरीर इंसान का होता है लेकिन दिमाग भेड़िया का हो जाता है। मतलब मानव भेड़िया एक प्रकार का भेड़िया और इंसान दोनों का मिश्रित रूप होता है जो इंसान और भेड़िया दोनों की तरह चल सकता है। ऐसा माना जाता है कि मानव भेड़िया इंसान ही होते थे जो कि भेड़िया में बदलने की क्षमता प्राप्त कर लेते थे। मानव भेड़िया को लेकर दुनिया में कई तरह की थ्योरीज हैं। एक आम इंसान श्राप के चलते या किसी अन्य मानव भेड़िया के काटने के कारण मानव भेड़िया बन सकता है। इसी परिवर्तन को अक्सर पूरणमासी के चांद से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पूरणमासी की रात जब चांद अपने पूर्ण आकार में होता है एक इंसान के अंदर भेड़िया में बदलने की ताकत आ जाती है। मानव भेड़िया पर कई कहानियां, उपन्यास, फिल्में, टीवी सीरियल और कॉमिक्स में वर्णित किया गया है। इतिहास में मानव भेड़िया का पहला जिक्र 2400 साल पुराना है। आज जहां पोलैंड और बेलारूस है वहां कभी नेउरी जनजाति थी। माना जाता है इस जाति के लोग साल में एक बार भेड़िया बनते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि 1500 ईस्वी के समय विज्ञान और मनोविज्ञान की कमी के चलते जो लोग इंसानी मांस खाते थे उन्हें ही मानव भेड़िया कहा जाता था। 425 ईस्वी में आई इटली की एक किताब द सिटी ऑफ गॉड के राइटर बिशप सेंट ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो ने भी ऐसी डायनों का जिक्र किया है जो भेड़िए में बदल जाती थी। अब आइए जानते हैं मानव भेड़िया से जुड़ी कुछ दिलचस्प मान्यताएं। 19वीं शताब्दी में यूनानियों का मानना था कि अगर किसी मानव भेड़िया की लाश नष्ट नहीं की गई तो वो कुछ सालों बाद दोबारा जीवित हो जाएंगे। जर्मनी, फ्रांस और उत्तरी फ्रांस के लोगों का मानना है कि जो लोग पाप से मरे हैं वो खून पीने वाले मानव भेड़िया बनकर लौटेंगे। हंगेरियन लोक कथाओं के अनुसार ट्रांसडानुबिया में रहने वाले शापित लोग मानव भेड़िया बनते हैं। वहीं अर्मेनियन लोक कथाओं के अनुसार जो महिलाएं पाप करती हैं उन्हें जीवन के 7 साल मानव भेड़िया बनकर बिताने होते हैं। ये तो सिर्फ मान्यताएं हैं लेकिन इतिहास में ऐसी बहुत सारी असल घटनाएं हैं जो मानव भेड़िया की थ्योरी को साबित करती हैं।
आइए एक नजर डालते हैं। 1541 में इटली के एक गांव के लोग अचानक गायब हो रहे थे। कई महीनों की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि एक किसान ने ही मानव मांस खाने के लिए इन लोगों की हत्या की थी। उस किसान के शरीर पर भेड़िए की तरह बाल थे। जब किसान को बंदी बनाकर उसके बालों की जांच की गई तो सामने आया कि वो किसान एक अजीब बीमारी से ग्रसित था, जो खुद को मानव भेड़िया समझकर लोगों को खाता था और भेड़िए की तरह ही बर्ताव किया करता था। साइंटिफिक तौर पर यह बात साबित नहीं हो पाई, जिसके बाद उस आदमी को मौत की सजा मिली। 1640 में जर्मन के क्रिप्सवाल शहर में भी वेयरवुल्फ के नाम पर दहशत थी। इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि यदि कोई मानव घर से बाहर निकलता तो ये उसे खा जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद जर्मन छात्रों ने निश्चय किया कि वो इनका खात्मा कर देंगे। उसके बाद उन लोगों ने हथियारों का इंतजाम किया और एक रात इकट्ठा होकर उन भेड़ियों पर आक्रमण कर दिया और अधिकतर भेड़ियों को मार गिराया और इस समस्या से निजात पाई। 1685 में बवेरियन शहर में भी एक भेड़िए ने दहशत पैदा की थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि उस शहर के मेयर ही वेयरवुल्फ बनकर रात को घुमा करते हैं। भीड़ ने एक दिन साहस करके उसे मार दिया और उसकी खाल पहनकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। बाद में उस भेड़िए की खाल को लोकल म्यूजियम में रखा गया था। 14 दिसंबर 1598 को एक शख्स को हत्या के आरोप में पेरिस के एक कोर्ट में पेश किया गया था। उस आदमी ने इतने भयानक तरीके से कत्ल किए थे कि कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को नष्ट करने के आदेश दिए थे। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि वह बच्चों को अपना शिकार बनाता और उसके बाद अपनी दुकान पर ले जाकर कुकर्म करता था, फिर उनका गला काटकर मार देता और अंत में उनके टुकड़े टुकड़े करके मांस खा जाता था। वह जंगल के अंदर भी घूमता था और रास्तों पर चलने वाले लोगों पर छलांग लगाकर उनको मार देता और उनको खा लेता था। उस शख्स ने कई बच्चों की हत्या की, गले काटे और उनके शरीरों के कई टुकड़े किए। उस शख्स को कोर्ट ने जलाकर मारने की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि वो आदमी नरभक्षी मानव या मानव भेड़िया था। उसे दानव दर्जी के नाम से भी जाना जाता था। 1603 में गेस्कानी फ्रांस के एक गांव में लोग लगातार गायब होने लगे थे। छोटे छोटे बच्चों को उनके घरों से उठा लिया जाता था और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। छानबीन में एक 13 साल की लड़की ने बताया कि पूर्णिमा की रात आदमी की तरह दिखने वाले एक भेड़िए ने उस पर हमला किया था। अब आइए एक नज़र डालते हैं मानव भेड़िया पर बनी कुछ फिल्मों पर। मानव भेड़िया के ऊपर पहली फिल्म 1935 में आई थी, जिसका नाम था वेयरवुल्फ ऑफ लंदन। उसके बाद मानव भेड़िया के ऊपर फिल्मों के बनने का सिलसिला शुरू हो गया। 1941 में द वुल्फमैन, 1968 में आवर ऑफ द वुल्फ, 1981 में वुल्फेन और एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन, 1985 में टीन वुल्फ और सिल्वर बुलेट, 1997 में एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस, 2003 में अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ लाइकन्स, 2008 से लेकर 2011 तक एक सीरीज चली थी जिसका नाम था द ट्विलाइट सागा, 2010 में द वुल्फमैन और 2022 में भारत में मानव भेड़िया पर बनी पहली फिल्म भेड़िया, जिसे शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आइए देखते हैं मानव भेड़िया के ऊपर किया गया रिसर्च क्या कहता है। 1963 में लंदन के गाइस हॉस्पिटल के ली आइलिस ने पोर्फिरिया एंड द एटियोलॉजी ऑफ वेयरवुल्फ नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसके मुताबिक जिन लोगों को इतिहास में वेयरवुल्फ कहा जा रहा था वो असल में पोर्फिरिया नाम के एक बीमारी से ग्रसित होते थे, जिनमें धूप से परेशानी, लाल दांत और साइकोटिक बिहेवियर जैसे लक्षण दिखते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आते ही एक दूसरे डॉक्टर वुडबर्ड ने इस दावे के खिलाफ जाकर बताया कि माइथोलॉजी के अनुसार वेयरवुल्फ ही भेड़िया होते हैं जो इंसानी शरीर धारण कर लेते हैं। इसका पोर्फिरिया मेडिकल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ रिसर्चर ने वेयरवुल्फ की बजाय इन लोगों के हाइपरटिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने की संभावना की तरफ इशारा किया। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा या यूं कहें कि जानवरों की तरह होते हैं। बाद में डॉक्टर वुडवर्ड ने रेबीज को वेयरवुल्फ मिथ की शुरुआत बताया। एक रिसर्च में उन्होंने पाया कि एक भेड़िया के काटे जाने पर किसी व्यक्ति पर रेबीज के लक्षण दिखेंगे। लाइकोथ्रोपी भी एक ऐसी ही बीमारी है जिससे ग्रसित एक महिला ने खुद को 4 अलग अलग जानवरों के बनने का दावा किया था।
तो ये थे मानव भेड़िया के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और कोई जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।